Geometric progression. What is geometric progression? A sequence of non-zero numbers is called a geometric progression if the ratio of two consecutive terms are equal. Means, अगर आपके पास कोई non-zero sequence है और उसमें two consecutive terms के बीच का ratio equal है, तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? Geometric progression. देखो example, 2, 4, 8, 16, up to so on. Then the ratio, second term divided by first term, third term divided by second term, and the fourth term divided by third term, and up to so on, are equal. अगर ratio सभी में ये equal आता है, तो हम क्या बोलेंगे? कि हमारे पास जो given sequence है, वो किस में है? GP में है. ठीक है, ये है आपके पास geometric progression. Arithmetic mean में common difference होता था, और geometric progression में क्या होता है हमारे पास? Common ratio. तो second term divided by first term, third term divided by second term, and the fourth term divided by third term. देखो, GP में हम first term की notation A लेते हैं, ठीक है, और कॉमन रेशो इसमें हम लेते हैं आर. ठीक है, देखो, तो इसमें सीक्वेंस जब आप बनाओगे, तो जीपी में सीक्वेंस क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म इज ए आर, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या जाएगी आपके पास? ए. सेकंड टर्म क्या बन जाएगी? ए आर. थर्ड टर्म क्या बन जाएगी आपके पास? ए आर स्क्वेयर, एंड अप टू सो ऑन. एनथ टर्म क्या बन जाएगी? एनथ टर्म आपके पास बन जाएगी ए आर की पावर एन माइनस वन. ठीक है, ध्यान रखना कि जीपी में हम फर्स्ट टर्म ए लिखते हैं एंड कॉमन रेशियो इज आर. तो हमारे पास जीपी में क्या बनता है? फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, एंड थर्ड टर्म ए आर स्क्वेयर, and up to so on, another term is AR n minus 1. इसको हम general term भी बोलते हैं. ठीक है, अगर आपने कहीं भी कोई भी term निकालनी है, 7 term, 8 term, तो आप another term में ही put करोगे. Okay? देखो, अब आपके पास first exercise में किस type के question होंगे? मैं रफ कर रहा हूँ. देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन है, जैसे कि आपको चेक करना है कि गिवन सीक्वेंस आपके पास जीपी में है या नहीं है. जैसे आपके पास क्वेश्चन है 1/8, 1/24, 1/72, 1/216, up to so on. और आप बोले चेक करो कि ये गिवन सीक्वेंस जो है वो जीपी में है या नहीं. तो ध्यान रखना, जब भी आप चेक करोगे, तो आप हमेशा कॉमन रेशो चेक करोगे. देखो, कॉमन रेशो आर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, एंड विच इज इक्वल टू 1/3. थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, विच इज इक्वल टू 1/3, एंड फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, विच इज अगेन इक्वल टू 1/3. देखो, हर केस में आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? गिवन जो आपके पास सीक्वेंस है वो किस में है? जीपी में है. ओके, ठीक है.